measurement of electrode potential. This lecture is an extension of the previous lecture जो कि standard hydrogen electrode के ऊपर था. हमने standard hydrogen electrode में एक standard cell देखा था, एक half reaction देखा था, जिसकी हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आर्बिट्रेरीली जीरो वोल्ट्स सेट कर दिया है. और बाकी अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का आपने पोटेंशियल मेजर करना होता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड यूनिट. इस स्टैंडर्ड जो सिस्टम है इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की वायर यूज़ की हुई है, उसके नीचे फिर हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है. प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पर सिंपली कंडक्टर के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, इसका और कोई काम नहीं है. यहाँ पर अगर आप देखो कि हम बाहर से एक्चुअली हाइड्रोजन गैस का सप्लाई कर रहे हैं और ये जो हाइड्रोजन गैस है इट एक्चुअली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय टेकिंग अप टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्लेटिनम वायर एंड चेंजिंग इनटू 2H+ एंड 2H+ जो सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं. ऑलरेडी सॉल्यूशन में एक्सेस में H+ आइंस हैं बिकॉज यू टुक वन मोलर सोल्यूशन ऑफ H+. तो ये जो H+ हैं ये जो हैं ये प्लेट से दो इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 में चेंज हो जाएंगे. उसने प्लेट को दो इलेक्ट्रॉन्स दिए थे और ये प्लेट से दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा. सो प्लेट पे ओवरऑल ये दोनों रिएक्शंस हो रहे होंगे और प्लेट पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर इनफैक्ट. और ओवरऑल वट यू शुड नो इज़ कि हमने इस हाफ रिएक्शन से जो ओवरऑल जो वोल्टेज जनरेट होती है उसको हमने आर्बिट्रेरीली जीरो वोल्ट्स कह दिया. अब होता यह है कि अगर आपने मेजर करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी और इलेक्ट्रोड का, सो यू कंपेयर इट विद SHE. हाउ? आप ये करते हो कि आप एक तरफ लगा देते हो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ लगा देते हो आप जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपने मेजर करना है. फॉर एग्जांपल आपने मेजर करना है एक एटम है, एटम ए, एलिमेंट है ए, और आपने ए का सॉल्यूशन भी लिया हुआ है, वन मोलर A+ सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है. A+ सॉल्यूशन का मतलब है ए का कोई कंपाउंड है उसका आपने वन मोलर सॉल्यूशन लिया हुआ है और सॉल्यूशन के अंदर फिर A+ आइंस जनरेट हुए हुए होंगे. अब फिर आप ये करते हो कि यहाँ पे तो आपके पास उसी तरीके से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ से आप हाइड्रोजन भी बीच में पंप इन कर रहे हो और प्लेटिनम का आपने ये यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर आपने वन मोलर H+ सॉल्यूशन लिया हुआ है. अब आप ये करो कि इस प्लेटिनम वायर को आप कनेक्ट कर दो इस ए वायर के साथ एंड पुट अ वोल्ट मीटर ओवर हियर, ठीक है. वोल्ट मीटर का क्या काम होता है? वोल्टेज मेजर करना. क्या आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज शो होगी? नो, क्योंकि सर्किट तो अभी कंप्लीट ही नहीं है. सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर पहले आपको इन दोनों सर्किट्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों हाफ सेल्स को. यहाँ पे हम कैसे कनेक्ट करते हैं आपको याद होगा, पीछे गैल्वेनिक सेल में आप पढ़ चुके हो. यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी. सॉल्ट ब्रिज में आपको एनी कंपाउंड नॉर्मली यूज़ करते हो, यू टेक आई द टेक यू सोडियम क्लोराइड और यू यूज पोटेशियम क्लोराइड एंड सम सिमिलर कंपाउंड, जिसका काम ये होता है कि अगर तो यहाँ पर H+ अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, अगर SHE के अंदर H+ ज़्यादा शुरू हो गए हैं होना, तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ से नेगेटिव चार्जेस सप्लाई करना शुरू कर देगा. और अगर SHE के अंदर जो है वो नहीं हो रहा ज़्यादा इसके अंदर, बल्कि दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं A+, तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ से नेगेटिव चार्जेस सप्लाई करना शुरू करेगा. और इसका काम है बेसिकली इक्विलिब्रियम में रखना दोनों तरफ के चार्जेस को, मतलब ऐसा ना हो कि आपके जो चार्ज है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना शुरू हो जाए किसी एक तरफ को, ठीक है. अब होगा ये, अब आपने किया क्या है, आपने एक गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश कर दिए और वोल्ट मीटर डेफिनेटली कोई ना कोई आपको रीडिंग शो करेगा. यहाँ पे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी यहाँ पे वो या तो वोल्ट मीटर की सुई राइट साइड पर होगी या फिर वोल्ट मीटर की सुई जो है वो लेफ्ट साइड पर होगी. और वोल्ट मीटर की सुई अगर राइट साइड पे है तो आपको ये पता चलो, यानी वोल्ट मीटर के भी एक्चुअली टर्मिनल्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. वोल्ट मीटर की सुई अगर जो है वो जनाब इस तरीके से, इसका मतलब ये होगा कि करंट इस साइड पे फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेटिनम से निकल के इस मेटल ए की तरफ आ रहे हैं. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल ए से निकल के प्लेटिनम की तरफ जा रहे हो, अगर वोल्ट मीटर की सुई इस तरीके से आपको नजर आ रही है. अब दोनों केसेस को अलग अलग में हम ले लेते हैं.
ये जो लेफ्ट साइड वाला केस है, इसमें जो के लेफ्ट साइड पे यूं इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम जो वायर है दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड जो प्लेट ए है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यही मतलब हुआ ना। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक्चुअली फ्लो कर रहे हैं। सो नेगेटिव चार्ज प्लेटिनम पे कब आता है? नेगेटिव चार्ज प्लेटिनम पे तब आता है जब हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू एच प्लस एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, टू एच प्लस एंड रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड बेसिकली जब ये वाला रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा होगा निस्बतन रिडक्शन रिएक्शन के, रिडक्शन भी तो हो रही थी ना, हमने कहा था कि 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वाज चेंजिंग इनटू H2 गैस और बबल्स की फॉर्म में वो बाहर भी निकल रहा था, ठीक है। बट अगर ये ऊपर वाला रिएक्शन ज्यादा हो रहा है निस्बतन इसके, सो प्लेट पे ओवरऑल जो है वो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कंपेयर टू द अदर प्लेट, दूसरी प्लेट जो है उस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्लेट पे भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाए और इस वाली प्लेट पे भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाए। अगर एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब ही ये है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस दूसरी साइड पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएं, तो वो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो तो प्लेट से एक दूसरे को फिर रिपेल करना शुरू हो जाएंगी, फिर तो रिएक्शन, बल्कि ये तो नेचर के अगेंस्ट आप चलना शुरू हो जाओगे, ठीक है। ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। अगर एक में ऑक्सीडेशन शुरू हुई है तो ऑटोमेटिकली दूसरे में रिडक्शन शुरू हो जाती है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इसमें हमने एक जिंक एनोड लिया है, ठीक है, एनोड नहीं लिया, हमने जिंक का एक इलेक्ट्रोड लिया है और उसको 1 मोलर जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब वो यहाँ पे दे वी हैव एनफ Zn+2, आई विल राइट इट इन ब्लैक ताकि आपको क्लियर हो, यहाँ पे Zn+2 हमारे पास पड़े हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर। और दूसरी तरफ आपने क्या लिया है जनाब, आपने दूसरी तरफ SHE लिया हुआ, ये आपको नजर आ रहा है SHE का कैथोड, ये ऊपर SHE की वायर आ रही होती है जो प्लेटिनम की वायर निकल रही थी वो उसके अंदर से होती हुई, ये प्लेटिनम की वायर अंदर से होती हुई ये आ रही है, नीचे आपने यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ होता है, आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, बबल्स बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। और हम कंटिन्यूसली यहाँ से हाइड्रोजन भी सप्लाई कर रहे हैं, आप SHE की फंक्शनलिटी तो ऑलरेडी देख चुके हो। अब आप देखो कंपेयर्ड टू दीज टू, डेफिनेटली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन भी हो सकती है और ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। रिडक्शन तब होगी अगर 2H+ इलेक्ट्रॉन्स लेके, दो इलेक्ट्रॉन्स लेके, बल्कि आई विल राइट इट अगेन, रिडक्शन तब होगी अगर H प्लस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाए हाइड्रोजन गैस के अंदर, और ऑक्सीडेशन तब होगी अगर हाइड्रोजन गैस H प्लस के अंदर चेंज होना शुरू हो जाए, राइट। अब एक्चुअली रिडक्शन होगी ऑक्सीडेशन होगी वो तो डिपेंड करता है आपने दूसरी चीज़ साथ क्या लगाई है। अब दूसरी चीज़ आपने साथ जिंक लगाई हुई है और जिंक की एक प्रॉपर्टी है कि जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वेरी ईजिली। So what zinc will do is कि zinc will get oxidized by giving away 2 electrons, ठीक है, and putting more and more zinc ions in the solution. Zinc की plate के atoms जो हैं वो टूट टूट के zinc के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा Zn+2, अब इससे क्या होगा कि solution में Zn+2 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इसको cover करने के लिए फिर हमें यहाँ से ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं salt bridge से जो negative ions हैं वो नीचे आ रहे हैं, chlorides, और इन chlorides का काम क्या है कि वो जो एक्सेस में Zn+2 हो रहे हैं ना उनके साथ मिलें और जिंक क्लोराइड बना के वो एक्सेस जो है वो उसको एक्सेस में ना होने दें। अब इस प्लेट के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे ये प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, दिस प्लेट विल गेट नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस प्लेट ऑल द वे थ्रू द वोल्टमीटर एंड टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स अब सप्लाई होना शुरू हो गए हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन होगा कि ये वाला होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन, सो बेसिकली सॉरी ये ऊपर वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी एंड H प्लस विल स्टार्ट चेंजिंग इन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे दो होंगे ये भी दो होंगे और आपके पास हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। सो ओवरऑल क्या होगा कि अगर तो आपने यहाँ पे
HCl सॉल्यूशन लिया था तो H तो चूंकि इस्तेमाल होता जा रहा है, Cl यहां पे बचते जाएंगे, तो उन Cl को बैलेंस करने के लिए यहां से आप Na डाल रहे हो ताकि वो Cl बैलेंस हो जाएं। यहां वोल्टमीटर पे आपको रीडिंग शो हो रही है 0.76 वोल्ट्स। दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल ऑफ द जिंक एनोड, जिंक बेसिकली कंपेयर्ड टू SHE, और जिंक में चूंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली दो पॉइंट्स का। वोल्टमीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट का। सो दिस इज एक्चुअली 0.76 माइनस 0 वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स हमने SHE का लिया हुआ था तो ये आंसर 0.76 ही आता है। और चूंकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक तो आप इसी को माइनस में बता दो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज नेगेटिव। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको कोई पता है और वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि वो चीज इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। और अगर आपको कोई पता है कि किसी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो चीज इजीली रिड्यूस हो जाती है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है जिंक का, विच मीन्स कि इट गेट्स रिड्यूस्ड डिफिकल्टली, यानी जिंक जो है अगर Zn प्लस 2 से दो इलेक्ट्रॉन्स लेके इसको जिंक में बदलना पड़े तो ये रिएक्शन कंपैरेटिवली मुश्किलों से होता है कंपेयर टू दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन का इजीली हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज वंस अगेन डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इसमें हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से एक सीरीज जनरेट करते हैं, इसका क्या फायदा है विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।